नमस्कार। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो शिव के साथ ही तीन गुण प्रकट हुए, रजस, तमस और सत्व। यही तीनों गुण शिव जी के त्रिशूल के तीन शूल में समाये हैं। इन तीनों गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित किए बिना सृष्टि का संचालन कठिन था। इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। त्रिशूल शिव के हाथों में केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। सत्व, रजस, तमस ये तीनों गुण सृष्टि के संचालन के मुख्य स्तंभ है। इन तीनों गुणों के बिना जीवन का क्रम संभव नहीं है। आइए आज ध्यान के इस सत्र में तीनों गुणों की ऊर्जा को संतुलन करने का अभ्यास करें। शुरुआत करते हैं रजस गुण से। रजस वह शक्ति है जो जीवन को गति देती है, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब रजस की मात्रा अधिकता में होती है तो यह व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी और अस्थिर बना सकता है। अपने भीतर स्वयं के रजस गुण को देखे और जाने। रजस ऊर्जा वह ऊर्जा है जो क्रियाशीलता, गतिविधि और उत्साह को बढ़ावा देती है। यह हमारे जीवन में सक्रियता और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। रजस की ऊर्जा को संतुलित करना आवश्यक है ताकि हम उचित दिशा में क्रियाशील रह सके। रजस ऊर्जा की साधना करते हुए मन का अवधान सामान्य सांसों पर बनाए रखना है। अब मन का अवधान मूलाधार के स्थान पर बनाए रखिए। धीमी गहरी श्वास लेते हुए धीरे धीरे सांसों को मूलाधार से लेना शुरू करें। श्वासों की ऊर्जा अब मूलाधार के स्थान को प्रभावित कर रही है। मूलाधार ऊर्जावान,
प्राणवान और संतुलित हो रहा है। अब धीरे धीरे मूलाधार से इस ऊर्जा को ऊपर की दिशा में उठाते हुए स्वाधिष्ठान से यात्रा करते हुए अब मणिपुर पर ऊर्जा और मन को केंद्रित करके धीमी गहरी श्वास के साथ मणिपुर के स्थान पर प्राण ऊर्जा को अनुभव करें। मणिपुर में सक्रियता के साथ संतुलन का अनुभव होना आवश्यक है। मन की सतह पर इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म की प्रवृत्ति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। आंतरिक आत्मबल संतुलन का अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे अब सामान्य सांस पर ध्यान देते रहे। अब आगे यात्रा करते हुए तमस गुण जड़ता आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है। तमस वह शक्ति है जो हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति उदासीन और निष्क्रिय हो सकता है। तमस का संतुलन हमें जीवन में शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तमस को नियंत्रित करने के लिए ध्यान साधना, अपने भीतर स्वयं के तामस गुण को देखें और जानें। तमस अज्ञान का अंधकार, मन का अवधान मूलाधार चक्र पर ले जाएं। धीमी गहरी श्वास को लेते रहें। अब मूलाधार पर सांसों द्वारा प्रवेश होती हुई प्राण ऊर्जा का प्रभाव अनुभव होने लगेगा।
मूलाधार पर एक स्थिरता की अनुभूति होगी। धीरे धीरे मूल को बंद करें। मूल के स्थान पर हल्का दबाव और थोड़ी सी सिकुड़न करें। जैसे ही हम मूल बंद करेंगे, ऊर्जा सक्रिय होने लगेगी। जब ऊर्जा सक्रिय होती हुई अनुभव होने लगे, तब ऊर्जा को स्वाधिष्ठान के स्थान पर ऊपर की ओर धकेल दीजिए। अभी भी यदि आपसे संभव हो तो हल्का सा मूल बंद बनाए रखिए। ऊर्जा अब स्वाधिष्ठान पर अपना प्रभाव विस्तृत कर रही है। यह स्थिति अद्भुत अनुभव देगी। इस समय सभी निष्क्रियता सक्रियता में रूपांतरित होने लगेगी। अब मूल बंद धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ऊर्जा को सामान्य होने दीजिए। सामान्य सांसों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं सत्वगुण। सत्वगुण अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र से जुड़ा है। सत्व वह शक्ति है जो व्यक्ति को उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्यों की ओर ले जाती है। सत्व का संतुलन हमें शांति, ज्ञान और आंतरिक बल प्रदान करता है। सत्व ऊर्जा की साधना करते हुए सामान्य स्वाभाविक सांसों की आवन जावन पर मन को बनाए रखें। स्वयं के हृदय के स्थान पर मन को केंद्रित करें। धीमी गहरी श्वास लेते हुए धीरे धीरे सांसों को अनाहत के स्थान से लेना शुरू करें। सांसों की ऊर्जा अब अनाहत के स्थान को प्रभावित कर रही है।
अनाहत ऊर्जावान प्राणवान और सक्रिय हो रहा है। अब धीरे धीरे अनाहत से ऊर्जा को ऊपर की दिशा में उठाते हुए विशुद्ध के स्थान से यात्रा करते हुए तीसरे नेत्र के स्थान पर ऊर्जा और मन को केंद्रित करके तीसरे नेत्र के स्थान पर प्राण ऊर्जा को विस्तृत करें। तीसरे नेत्र के स्थान में कुछ सक्रिय अनुभव होने लगेंगे। मन गतिहीन होने लगेगा। श्वास सूक्ष्म होने लगेगी। एक दिव्यता एक स्थिरता की अनुभूति होने लगेगी। एक शून्यता और शून्यता में संतुलन का अनुभव, वही तो शिव है। शून्यता निशब्दता नीरवता, यही तो शिव है। कुछ समय अपने मेरुदंड पर ध्यान देते रहे। धीरे धीरे सामान्य सांसों पर ध्यान बनाए रखना है। शिव के त्रिशूल में इन तीनों गुणों का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। जब हम साधना और ध्यान द्वारा अपने भीतर इन गुणों का संतुलन स्थापित करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के संचालन को समझ पाते हैं। शिव ने त्रिशूल को धारण कर हमें यह संदेश दिया है कि सृष्टि की जटिलताओं और विरोधाभासों को संतुलित कर हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कुछ समय इसी स्थिति में विश्राम करें।